आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुर में। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बता दीजिए कि हमारे जिले में, हमारे विकासखंड में जब रोजगार सहायक की भर्ती निकलेगी तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे विकासखंड में, हमारे जिले में रोजगार सहायक की भर्ती निकली है। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि आप अपने खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि किस पंचायत में रोजगार सहायक का पद खाली है। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। और एक और बात, यदि आपको समग्र EKYC या सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इससे आप व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। दोस्तों आप सभी का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया कि रोजगार सहायक के पद कैसे देखना है, ठीक है। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे दो जानकारी मिली है कि आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो तीन तरीका, पर मैं आपको दो ही बताने वाला हूँ, तीसरा तरीका तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है। दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद मिला है। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे इसलिए मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अगर आप बोलोगे और वो वीडियो मैं नहीं बनाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं रोजगार सहायक की भर्ती किस जिले में, किस विकासखंड में निकली है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को ऐसी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये जो तरीका बता रहा हूँ वो सभी जिलों में लागू नहीं होता है, किसी किसी जिले में अपडेट किया जाता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में कहाँ निकली थी, अलीराजपुर में। तो चलिए हम अलीराजपुर यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस जिले की आपको जानकारी थी केवल उस जिले का आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो नोटिस का ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको रिक्वायरमेंट दिख रही होगी, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आ चुका है हमारा रोजगार सहायक का जो नोटिफिकेशन इन्होंने अपडेट किया था। यहाँ पर आप देखिए ये नोटिफिकेशन है रोजगार सहायक का, इसे हम आपको ओपन करके बता देते हैं। आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए हम इसे ओपन करके यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने देखिए ये नोटिफिकेशन ओपन कर दिया, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार सहायक स्कीम के तहत रोजगार सहायकों के दर्शाई गई शर्तों के आधार पर पूर्ति किए जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों की, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, किस चीज़ के कितने नंबर यहाँ आपको मिलेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगी, सेवा शर्तें यहाँ पर। तो आपने जैसे कि देखा हम किस तरीके से रोजगार सहायक का एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं अगर आपके जिले में निकला है, ठीक है। सभी जिलों में इस प्रकार से अपडेट नहीं करते, बहुत कम जिले हैं जहाँ पर इसमें अपडेट किया जाता है। देखिए हमने हिंदी में कर लिया है, ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार सहायक की ये नियुक्ति तीन, मतलब इसकी लास्ट डेट जो वो, इसका मैंने वीडियो पहले भी डाला था, ठीक है। तो यहाँ पर 18/7 जो कि कुछ दिन पहले ही निकली है। और अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि दूसरा तरीका तो ऑनलाइन आप चेक नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने या तो जिला पंचायत में जाइए या फिर जनपद पंचायत में जाइए, ठीक है। जनपद पंचायत में जाओगे या जिला पंचायत में जाओगे, दोनों ही जगह आपको नोटिस बोर्ड देखने को मिलते हैं। उन नोटिस बोर्ड पर भी ये नोटिफिकेशन लगाए जाते हैं अगर भर्ती निकलती है तो। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था कि तीन बताने वाला हूँ, तो तीसरी चीज़ है सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया, इनके पेज को आप फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, ये अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। कलेक्टर अलीराजपुर, कलेक्टर हरदा, कलेक्टर सिवनी, इन जिलों को आप यहाँ पर फॉलो करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे जिलों के अपडेट ट्विटर पर भी आते हैं, उनकी वेबसाइट पर भी आते हैं और यहाँ पर नोटिस बोर्ड में भी लगा जाएंगे। तो दोस्तों मैंने तीन तरीका आपको बता दिया कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। जो पहला तरीका था वो बहुत कम जिलों में लागू होता है, क्योंकि सभी जिलों की जानकारी वेबसाइट पर अपडेट नहीं की जाती, परंतु बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी देते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका तो जो आपको बताया कि आपको जो है वो नोटिस बोर्ड पर जाकर देखना है, क्योंकि सभी जिलों में लगभग अगले महीने में सभी जिलों में ये वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। अगस्त और सितंबर में ये वैकेंसी लगभग सभी जिलों में निकलेगी। जैसे कोई इसके बारे में हमारे पास अपडेट आती है हम आप सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपको उल्टा फायदा होगा, क्योंकि हम जैसे ही कोई अपडेट डालते हैं सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।